अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोग को ब्लाउज की कटिंग बताऊंगा। तो इसका मेजरमेंट है ना 14 इंचेस है और चेस्ट 35 और मिडिल चेस्ट 38 और वेस्ट 32 इंचेस है। ये ओरिजिनल पीस है, ये देखिए ये ओरिजिनल पीस है ब्लाउज का और ये लाइनिंग है। हम इसको कटिंग करके बताएंगे कैसे कटिंग किया जाता है ब्लाउज की, वो भी प्रिंस कट। ब्लाउज कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से लाइनिंग लेना है और आयरन कर लेना है, और फ्रंट ओपन कभी भी रहा तो आप फोल्डिंग वाला ऐसा ना अपने साइड में रखना है। अब ये पीस मैंने दो पीस एक ही साथ में कटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ये अपने साइड फोल्डिंग वाला रखा और सबसे पहला काम यहाँ पर एक निशान इस तरह से लगाना है और ये निशान को इस तरह से कटिंग कर लेना है। ब्लाउज का लेंथ जितना भी रहे उसमें से आपको एक इंची एक्स्ट्रा रखना। अगर किसी का 13 इंचेस है तो आप 14 इंचेस पर मार्किंग करना, लेकिन इसमें 14 इंचेस इसका लेंथ है तो मैं यहाँ पर इस तरह से 15 इंचेस पर मार्किंग करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर शोल्डर की बात आ जाती है तो आपको इस तरह से पहले एक निशान लगाना है। और ये डीप नेक की कटिंग है, डीप नेक की कटिंग अलग होती है और बोट नेक कॉलर नेक की कटिंग अलग होती है। मैं आपको डीप नेक की कटिंग बता रहा हूँ। डीप नेक कटिंग करने के लिए शोल्डर की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है, तो यहाँ से फॉलिंग वाला हिस्सा ने अपने साइड से आपको क्या करना है, 2 इंच 2 पॉइंट पर इधर से निशान लगाना है और इस जगह से आपको यहाँ पर जितना भी आपका गले का डीप है उतना रख लेना है। लेकिन मुझे सिर्फ बैक साइड में यहाँ पर 5.5 ही रखना है, तो हम यहाँ पर 1/2 इंच इधर छोड़ करके आपको 5.5 पर इधर से निशान लगा देना है। आपको जितना चाहिए उतना यहाँ पर आप रख सकते हैं। उसके बाद एक निशान इस तरह से लगा देंगे और गले का शेप जो है ना इस तरह से दे देंगे। इसको स्ट्रेट नहीं रखना बल्कि थोड़ा सा ऐसा क्रॉस रखना है और यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर लेना है। अब इस शेप, ये बॉक्स में आप कोई सा भी शेप दे दीजिए, मैं ये वाला शेप देता हूँ पान शेप। इसके बाद यहाँ से शोल्डर की कितनी दूरी रखनी चाहिए, तो इस जगह से ये वाला हिस्सा ना इस जगह से आपको 2.5 इंच पर इधर से निशान लगाना है। और एक बात यहाँ पर बता देता हूँ कि शोल्डर गिरने का जो प्रॉब्लम है ना वो खत्म हो जाएगा। आपको सिर्फ करना क्या है, इसको इस तरह से ऐसा डाउन करना है ये साइड में, ठीक है। अब इस जगह से आर्मोल को हम चेक करेंगे, तो आर्मोल को जो इसका है 16.5, तो हम यहाँ पर 6 इंचेस पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और एक निशान इस तरह से हम लगा देंगे ऐसा चेस्ट का। अब यहाँ पर चेस्ट की बारी आ जाती है, तो इसका जितना जिसका भी चेस्ट रहे उसको आप 4 भाग से डिवाइड कर लेना। इसमें 35 इंचेस है तो हम यहाँ पर 4 भाग से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 9 इंचेस में 2 पॉइंट कम रहेगा तो मेरा 4 भाग से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इतना लग जाएगा। तो मार्किंग यहाँ पर लगा देना। सेम इसी तरीके से आपका अगर 40 इंचेस है तो आप इस पर 10 पे रखना, अगर किसी का 38 है तो 9.5 पर रखना, लेकिन मेरा यहाँ पर 35 है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 8.5 इंच 2 पॉइंट पर रख दिए। अब आ जाते हैं बारी वेस्ट की, इसमें लूजिंग नहीं दिया जाता है, ब्लाउज डीप नेक ब्लाउज में लूजिंग नहीं दिया जाता है। अब आ जाते हैं वेस्ट की बारी, तो इसका जो वेस्ट है ना 32 इंचेस है, ये देखिए 32 इंचेस को हम 4 भाग से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच आ जाएगा, तो हम यहाँ पर 8 इंच रखेंगे टेप और एक निशान यहाँ पर लगा देंगे और 1.25 इंच एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर इस तरह से लगाऊंगा। और ये जो रखा मैंने यहाँ पर डाउट के लिए, लेकिन डाउट का निशान अभी मैं नहीं लगाऊंगा, मैं बाद में लगाऊंगा। अब ये वाले निशान को ये वाले निशान से मिला देना, बिल्कुल आसान और बिल्कुल बहुत ही ईजी है। और 1.25 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है यहाँ पर ताकि 2-3 सिलाई जो लगाते ना उसके लिए। अब आ जाती है आर्मोल फॉर्म कैसे शेप दे, तो इसको है ना स्ट्रेट ऐसा नहीं रखना है, थोड़ा सा ऐसा क्रॉस रखना है स्केल को और एक निशान इस तरह से लगा देना है। उसके बाद यहां से इसको इस तरह से निशान लगा देना। अब इसी जगह से आपको ऐसा एक शेप दे देना है, ये देखिए यहां तक आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा कटिंग कैसा लगा यहां तक की मार्किंग, आप लोग जरूर कॉमेंट करके बता देना। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, मोइन टेलर जिसका नाम है, अगर ये चैनल पे आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हर दिन आपको ब्लाउज की कटिंग फ्रॉक की कटिंग आपको मिलता रहे। यहां से अब हमने पूरे इस मार्किंग को मैं कटिंग कर लेता हूं। अब फ्रंट साइड की प्रिंस कट कट करने के लिए ये वाला हिस्से को मैंने इस तरह से रखा है और यहां पर 2 निशान इस तरह से लगा देना और पहले वाले निशान को इस तरह से कटिंग कर लेना है। अब ये वाले हिस्से को, ये बाइक साइड का जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, इस तरह से इसके ऊपर रखना है ये मार्किंग के ऊपर, ठीक है। अब सबसे पहला जो काम करेंगे हम, यहां पर देखिए 1 इंच का एक्स्ट्रा हम यहां पर रख लेंगे, प्रिंस कट की कटिंग हो रही है तो आपको यहां पर 1 इंच एक्स्ट्रा रख लिया। अब इस जगह से लेकर के इस जगह तक मुझे पहले कटिंग कर लेना है, यहां से मैंने यहां तक कटिंग कर लिया। अब इस जगह से आपको पहले नोच लगा देना है, ये नोच लगाने के बाद अब आ जाती है हमारी
मिडिल चेस्ट कितना है और बस पॉइंट कितना है। तो जिसका जितना भी बस पॉइंट रहे तो आप यहां पर एक निशान इस तरह से लगा देना है, ठीक है। अब मिडिल चेस्ट में 34 साइज से लेकर के 38 साइज तक जिसका चेस्ट मिडिल चेस्ट है, तो आप क्या करना, पौने चार इंच पर एक निशान इस तरह से लगाना है, देखिए पौने चार इंच का, और दूसरा नीचे की तरफ आपको है ना 3 इंच पर निशान लगाना, और ये निशान को ये निशान से कैसे मिलाते हैं ये देखिए, इस तरह से आपको मिला देना है, देखिए इस तरह से मिलाना, और ये निशान पे आप पहले बिल मार्क करना, ये देखिए ये बिल मार्क है, हम इसको बिल मार्क करेंगे इसके ऊपर, ताकि नीचे की तरफ जो फ्रंट साइड रखा मैंने वो कटिंग हो जाए, हम इसको बिल मार्क कर लिए। अब नीचे की तरफ मैं देख इसको उठा करके देखता हूं और इसकी मैं कटिंग कर लेता हूं हाफ इंच छोड़ करके, ये देखिए मैंने हाफ इंच छोड़ करके मैंने इसको कटिंग कर लिया, इसका पीस ये साइड का कटिंग हो गया। अब मुझे ये साइड का मुझे कटिंग करना और बीच में सेटिंग करना है, तो हम इसके लिए दूसरा कपड़ा यूज करते हैं। फ्रंट साइड का प्रिंस कट करने के लिए सबसे पहले बैक साइड को इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे ऐसा, ये वाला हिस्सा, उसके बाद फ्रंट साइड का ये जो हिस्सा कटिंग किया है ना इसके इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। अब इस जगह से सबसे पहले मुझे इस तरह से क्रॉस कटिंग करना है, ये देखिए यहां से लेकर के आपको यहां तक पूरा कटिंग कर लेना है। अब इस जगह पहले नॉच यहां पर लगाएंगे, उसके बाद यहां पर बिल मार्क करेंगे इसके ऊपर, ये देखिए, और इसके ऊपर भी हम इसी तरीके से हम बिल मार्क करेंगे, ताकि नीचे की तरफ मेरा जो है ना ये वाला हिस्सा कटिंग हो जाए। और यहां पर फिर हम सेटिंग कैसे करेंगे वो आपको बताऊंगा, सबसे पहले मैं इसको निकाल देता हूं, यहां पर आपको मार्किंग नहीं दिखता होगा, अभी मैं मार्किंग करके दिखाता हूं। अब मुझे इसको सेटिंग करना है, सेटिंग कैसे करेंगे, तो ये वाला फ्रंट साइड का हिस्सा जो है ना यहां पर देखेंगे, पहले इस जगह से आपको 3 इंच का कटिंग किया था मैंने, और अब यहां पर 3 इंच को इस निशान से इधर छोड़ देंगे, और जितना भी यहां पर वेस्ट रहेगा आप उसको एक निशान लगाएंगे और हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब आते हैं मिडिल चेस्ट की बारी, तो इसकी मिडिल चेस्ट 4.25 इंच पर है, हम यहां पर 4.25 इंच ये निशान पर रखेंगे और इधर से निकाल देंगे, क्यों निकालेंगे, ताकि ये जो आ गया ना ऐसा इसमें, इसलिए हम इसको निकाल देंगे। तो और इसका मिडिल चेस्ट जो है वो 38 इंच है, तो हम यहां पर 38 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। चेस्ट इसका 35 है लेकिन मिडिल चेस्ट है 38 इंच पर मार्किंग किया और हाफ इंच एक्स्ट्रा मैंने मार्किंग किया। अब हम शेप कैसे देंगे, तो ये देखिए इसको इस तरह से आपको शेप देना पड़ेगा, इस तरह से शेप देना। अब ये शेप को पहले मैं रफ कटिंग करूंगा, उसके बाद मैं सेटिंग करूंगा। अब यहां पर एक पॉइंट है, डॉट वाला ब्लाउज कभी भी आप स्टिचिंग करते होंगे तो यहां पर डॉट की निशान लगाते होंगे, क्यों लगाते हैं, ताकि फुला ना आए, तो हम यहां पर डॉट तो नहीं लगाएंगे प्रिंस कट में, इसलिए हम इसको इतना हिस्सा कट करके निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से आपको कट करके निकाल देना है, ताकि यहां पर जो झोल आते हैं ना वो ना आए, देखिए मैंने इसको निकाल दिया, अब आपके ब्लाउज में यहां पर झोल नहीं आएगी, ठीक है। अब ये देखिए फ्रंट साइड का प्रिंस कट इस तरह से शेप कटिंग हो गया। अब मुझे यहां पर हला कट करना है फ्रंट साइड की, फ्रंट साइड की हला कट करने के लिए सबसे पहले हम बैक साइड को इस तरह से रखेंगे, ये देखिए, और उसके बाद यहां पर फ्रंट साइड को हम इसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। अब इसके बाद यहां से हम इसको ये वाला हिस्सा भी इस तरह से हम रख देंगे। ये रखने के बाद हम यहां पर मार्किंग करेंगे कि कितना मुझे कट करके निकालना है, ये देखिए ये वाला हिस्सा इतना मार्किंग करके मैंने रखा है, आप इसी एरिया को मुझे कट करके निकाल देना है, ताकि यहां पर फुला ना आ जाए। ये देखिए मैंने यहां पर इस तरह से कटिंग करके आप लोग को बता देता हूं, इस जगह से मैंने ये पीस को कट करके निकाल दिया। अब यहां पर आपका जो फ्रंट साइड का झोल आने का प्रॉब्लम था ना वो खत्म हो जाएगा, अब सिर्फ एक पॉइंट यहां पर इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है अच्छा फिनिशिंग आने के लिए। अब हम इसको फ्रंट साइड भी गला कटिंग कर देंगे और बैक साइड की गला कट कर देंगे, और आस्तीन की कटिंग कैसे करेंगे वो आपको बताऊंगा। यहां तक आपको कैसा लगा ये वीडियो एक मरतबा जरूर कमेंट करके बताना, ताकि हर दिन आपको न्यू तरीके से पैटर्न आपको बताते रहो। आप लोग तो शॉर्ट वीडियो देखते ही होंगे, लॉन्ग वीडियो में मैं अलग अलग तरीके से मैं आप लोग को कटिंग बताते रहूंगा। आस्तीन कटिंग करने के लिए सबसे पहले आर्महोल को चेक करना पड़ेगा। आर्महोल चेक करने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से रखेंगे, ये देखिए 16.5 है आर्महोल, तो हम 16.5 को इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो उसके बाद यहां से सबसे पहले आस्तीन कटिंग करने के लिए ये वाला ऐसा फोल्डिंग वाला दिख रहा है ना, इसको इस तरह से फोल्ड करना है। अब यहां से इसको इस तरह से हम कर लेंगे और थोड़ा सा आयरन इसके ऊपर हम लगा देंगे, ठीक है। आयरन लगाने के बाद यहां से हम लेंथ चेक करेंगे, तो स्लिप का लेंथ है इसका
5.5 है, 5.5 अगर लेंथ है तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा कर लेना है और मार्किंग करना है 6.5 पर। तो सबसे पहले दो निशान हम यहां पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और पहले वाले निशान को हम इस तरह से कट कर लूंगा। जितना भी आपका लेंथ रहे उसमें से 1 इंच एक्स्ट्रा कर देना है। यहां पर 5.5 इसका लेंथ है स्लिप का, तो हम यहां पर 6.5 पर मार्किंग करेंगे और निशान यहां पर कैसे लगाएंगे वो देखना है। सबसे पहले एक छोटा निशान और दूसरा बड़ा निशान और तीसरा जो निशान लगाएंगे यहां पर देख लीजिए, 4.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। ये क्यों लगाए अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये छोटा वाला हिस्सा है ना, इसको यहां से हम बेंड करेंगे टेप को, और ये जो बड़ा वाला निशान है ना, ये वाला निशान को इस तरह से रखेंगे। अगर आपका 16.5 है आर्मोल तो यहां से बेंड करना और इसको इस तरह से रखना है, जहां पर भी आ जाए यहां पर एक निशान लगा देना। अगर आपका 19 इंचेस है तो आप इस तरह से आगे बढ़ाना, अगर और कम है तो आपको इस तरह से छोटा करना है, ठीक है। तो इसका 16.5 है तो हम यहां पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और ये जो छोटा वाला निशान है इसी छोटे वाले निशान से मुझे इस तरह से शेप दे देना है। ये शेप देने के बाद अब यहां पर आ जाती है लूजिंग की बारी। इसका लूजिंग 12.5 है तो मैं 12.5 पर इस तरह से मार्किंग करूंगा और इस जगह मैं लिख दूंगा 12.5 और इसको इस तरह से शेप इस तरह में दे दूंगा ये, और इतना भी मार्जिन में इसको रख लूंगा। अब इसकी मैं कटिंग कर लेता हूं। अब इसको मैं यहां पर इस तरह से कट इन कर लूंगा और यहां पर भी इस तरह कट इन कर लूंगा। अब फ्रंट साइड का जो हला है ना, इसको भी मैं कट करके निकाल दूंगा। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगता हो तो जरूर एक मरतबा शेयर कर देना ताकि दूसरों को भी मालूम हो जाए। अब इस जगह यहां पर एक नॉच लगा देना। नॉच लगाने के बाद अब हम फ्रंट साइड की कटिंग बताएंगे, नेक कटिंग कैसे करेंगे। बहुत सारे मेंबर्स ने मुझे कमेंट किया है कि कभी भी मैं फ्रंट साइड की नेक कटिंग करता हूं तो वहां पर करता हूं मैं राउंड कटिंग लेकिन हो जाता है वी, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, तो यहां पर देखना है आपको। तो इसका जो इसका 6.5 नेक है, आपका जितना भी रहे उस पर इस तरह से मार्किंग करना है और मार्किंग कैसे करना है वो देखिए, इसको इस तरह से क्रॉस ऐसा करना है और ये साइड को भी इस तरह से आपको क्रॉस ऐसा कर लेना है। ये क्रॉस इसलिए करते हैं ताकि आपका जो राउंड है ना अच्छा आ जाए, ये देखिए इस तरह से राउंड आ जाएगा। अब यहां से हम कटिंग करेंगे तो इसका फिनिशिंग बहुत ही जबरदस्त आएगा और आपका जो प्रॉब्लम है ना वी शेप बनने का वो भी आपको खत्म हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से आपको राउंड शेप करना है, ठीक है। अब ये बैक साइड का ये वाला जो शेप दिया ना मैंने, इसको भी मैं कट करके बता देता हूं कि आपको ये शेप कैसा दिखता है। आपको बैक क्लीन करके ओपन करके बता देता हूं, ये देखिए कैसा लगा ये ट्रिक। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा अच्छा है, अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना हमारे चैनल को। ये देखिए इसका फुल कटिंग इस तरह से हो गया। अब इसमें है ना इसको इस तरह से सेट करेंगे यहां पर तो ये ऑटोमेटिक इस तरह से फुल ऑन आ जाएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।